सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने समीकरण तथा सर्वसमिका के बारे में बात की थी। अगर वो आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो साइड में जो आई बटन है इस पर क्लिक करके आप वो हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेखीय समीकरण के बारे में, इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं वो हम भी सब प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा लेवल जो है वो सरल से कठिन की ओर रहेगा। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि रेखीय समीकरण क्या होता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सरल समीकरण के बारे में, उसी को मैंने ये भी कहा था कि रेखीय समीकरण भी कहते हैं। तो एक बार फिर से जान लेते हैं कि ऐसा समानता सूचक कथन जिसमें प्रयुक्त चर की घात एक हो। हमने बात की थी कि जिस समीकरण में घात एक होती है उसे क्या कहते हैं, रेखीय समीकरण या सरल समीकरण। तो सिंपल सा इसका एग्जाम्पल कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई बराबर 11, तो आप देख रहे हैं इसमें घात एक है। x प्लस 1 बराबर 9, इस टाइप की कोई भी आप ले सकते हैं, वो तो सब रेखीय समीकरण में ही आते हैं। तो ये हमने जान लिया कि रेखीय समीकरण क्या होता है। अब हम जान लेते हैं रेखीय समीकरण से स्टेप वाइज स्टेप कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जान लेते हैं कि रेखीय समीकरण में दायां पक्ष और बायां पक्ष अलग करने को आता है। तो किस टाइप से आता है, जैसे कि फ्रेंड्स क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 12 बराबर 13। अब आपको इसमें दायां पक्ष और बायां पक्ष अलग अलग छांटने को आएगा। तो आपको क्या करना है, आप ये देख रहे हैं बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, तो इस बराबर के चिन्ह के बाईं तरफ जो है उसी को बायां पक्ष कहते हैं, इस बराबर के दाईं तरफ जो पक्ष है उसको दायां पक्ष कहते हैं। सिंपल सा है फ्रेंड्स, कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। इसी को जो है आप इंग्लिश में भी अगर बात करें तो इसको लेफ्ट और इसको राइट कहते हैं। तो ये हो गया। इसी टाइप से अगर और क्वेश्चन देखें तो जैसे है 2x प्लस 5 बराबर x प्लस 7, तो इसमें बायां पक्ष हो जाएगा 2x प्लस 5 और दायां पक्ष हो जाएगा x प्लस 7। तो ये हमारा हो गया एक टाइप। अब अगला टाइप जो है वो है त्रुटि एवं प्रयत्न विधि या तालिका विधि। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स बात करें त्रुटि एवं प्रयत्न विधि की, तो हमारा क्वेश्चन दे रखा होगा कि एक्स प्लस 2 बराबर 5, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें लिखा होगा कि निम्नलिखित समीकरण को त्रुटि एवं प्रयत्न विधि या तालिका विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। किसके द्वारा फ्रेंड्स, तालिका विधि, और इसी को जो कहते हैं वो कहते हैं त्रुटि एवं प्रयत्न विधि। तो बात करें फ्रेंड्स त्रुटि एवं प्रयत्न विधि की, तो इसमें ये होता है कि एक्स में की जगह पर आप क्या रखें कि उसका मान 5 आ जाए। आप देख रहे हैं कि x प्लस 2 बराबर 5 है, तो यहाँ पर अगर हम 1 रखेंगे x की जगह तो 1 प्लस 2 बराबर 5 होगा नहीं, 3 ही रह जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 बराबर 5 तब भी नहीं होगा, 4 ही रह जाएगा। फिर यहाँ 3 रखेंगे तो 3 प्लस 2 बराबर 5 ही हो जाएगा। तो इसको हम एक सारणी के माध्यम से दिखाते हैं। तो कैसे दिखाते हैं चलिए देख लेते हैं। तो कॉलम फ्रेंड्स इसमें कुछ इस टाइप के बनते हैं। जो पहला कॉलम होता है वो होता है एक्स के विभिन्न टाइप के रूप, दूसरा कॉलम बनता है फ्रेंड्स बायां पक्ष का, और इसी को इसके बाद जो तीसरा पक्ष है यहां पर बन जाता है दाएं पक्ष का। जो दिया गया मान होगा वो फ्रेंड्स यहां रखेंगे और उधर बायां पक्ष का, कि दाएं पक्ष का दिया गया मान तो 5 है तो ये बदल नहीं सकता, तो 5 को हम पहली बार में ऐसे ही लिख सकते हैं। अब बात करें बाएं पक्ष की, तो बायां पक्ष क्या है हमारा x प्लस 2। अब यहाँ पर हम x के विभिन्न रूप क्या क्या रखें, तो सबसे पहले हम यहाँ 0 रख के देखेंगे। तो हमारा यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 प्लस 2, तो बराबर 0 में अगर 2 जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स 2 ही हो जाएगा, यानी कि वो 5 तक नहीं पहुँचा। अब यहीं पर हम 1 रख के देख लेते हैं, तो यहीं 0 की जगह हो जाएगा फ्रेंड्स 1, 1 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 3, तब भी ये फ्रेंड्स 5 तक नहीं पहुंचा। तो जब तक ये 5 तक ये नहीं बीच वाला फ्रेंड्स 5 तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक हम इसको ऐसे ही लिखते रहेंगे। अब यहाँ पर हम 2 रख के देख लें, तो 2 प्लस 2 फ्रेंड्स कितना हो जाएगा,
चार, तो ये भी अभी पांच तक नहीं पहुंचा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम तीन रख के देख लें तो 3 प्लस 2 जो है वो हो जाएगा 5 के बराबर, और यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि जो एक्स के विभिन्न मान हैं उसमें से केवल 3 एक ऐसा मान है जो समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ये हमारा समीकरण है, तो इसलिए जो एक्स बराबर 3 है यही समीकरण का हल या कह सकते हैं मूल है। यही हमारा जो है फ्रेंड्स तालिका विधि, या इसी को क्या कहते हैं, त्रुटि एवं प्रयत्न विधि। तो ये है त्रुटि एवं प्रयत्न विधि। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स जो है हम इसका अगला टाइप देख लेते हैं। बात करें फ्रेंड्स अगले टाइप का, तो इसमें क्वेश्चन भी आते हैं रेखीय समीकरण के, कि जैसे कि एक्स प्लस 1 बराबर 2 दे रखा है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें आपको एक्स का मान निकालना है। तो आप सिंपल सा फ्रेंड्स देखिए, ये जो है बराबर के जब इधर जाता है तो माइनस में हो जाता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर 2, और जब इधर आ जाएगा तो -1, तो एक्स बराबर 1। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। यही क्वेश्चन जो है थोड़ा और बड़ा भी हो सकता है या सिंपल भी हो सकता है। तो ये जो है एक और एग्जाम्पल कोई देख लेते हैं क्वेश्चन का, कि जैसे कि एक्स प्लस 7 बराबर 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ये फ्रेंड्स प्लस का है, जब बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर 5 माइनस 7, जब 5 में से फ्रेंड्स 7 घटाएंगे तो माइनस में बचेगा, क्योंकि जो पहली वाली संख्या है छोटी है, बाद वाली संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया फ्रेंड्स एक टाइप। अब देख लेते हैं इसका और टाइप, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब फ्रेंड्स जो हमने अभी पढ़ा क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन आता है, पर उसमें लिखा रहता है कि आप उसकी उत्तर की जांच भी कीजिए। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स किस टाइप से है। जैसे हमारा क्वेश्चन दे रखा है एक्स प्लस 2 बराबर 3, ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें एक्स का मान निकालना है और उसके बाद उत्तर की जांच करनी है, ऐसा लिखा रहेगा प्रश्न में। तो अगर आप एक्स का मान निकालेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, 2 को 3 के उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस 2 के बराबर किसके हो जाएगा, 1 के, यानी एक्स बराबर जो 1 है ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यही लिखा होगा कि इसके उत्तर की जांच कीजिए। तो फ्रेंड जब हमने देखा यहाँ से हमने एक्स का मान 1 निकाल लिया है, तो यही मान हम उठा के अगर एक्स की जगह यहाँ रख दें तो दोनों जो पक्ष होंगे वो बराबर हो जाएंगे, जिससे हमारी उत्तर की जांच हो जाएगी। तो जैसे उत्तर की जांच करने के लिए तो हम लिख सकते हैं एक्स, इसको समीकरण हम 1 मान लें और यहाँ पर लिख दें कि एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो पहले समीकरण उतार लेते हैं, एक्स प्लस 2 बराबर 3। अब यहाँ पर एक्स का मान फ्रेंड्स हमने 1 निकाला, तो यहाँ पर रख देंगे 1 प्लस 2 बराबर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बराबर 3। तो ये फ्रेंड्स जो है हमारा दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं इसे कि बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के, इसलिए जो हमारा उत्तर है वो सही है, या इसी को उत्तर की जांच भी आप कह सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स एक हमारा तरीका हो गया। एक चीज तरीका ये भी हो सकता है इसको निकालने का फ्रेंड्स, वो भी हम आपको इसी के नीचे बता देते हैं, कि जैसे अगर आप चाहते हैं कि 2 को 3 के उधर ना ले जाके हम किसी और तरीके से एक्स का मान निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, तो एक्स प्लस 2 बराबर 3 होता है, ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इधर वाला जो एक्स है इसके साथ वाली जो संख्या है वही दोनों पक्षों में घटा देंगे, तो जो बायां पक्ष है उसमें केवल हमें एक्स प्राप्त हो जाएगा। हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में जो एक पक्ष है उसमें केवल हमें एक्स लाना है। तो हम इस पक्ष में एक्स तभी ला सकते हैं जब हम उसी संख्या से घटा दें। तो अगर हम यहाँ एक्स प्लस 2 में से 2 ही घटा दें और दूसरे पक्ष में भी 2 ही घटा दें, तो यहाँ क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर हमारे एक पक्ष में एक्स बचेगा और 3 में से 2 जब जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये भी एक तरीका होता है फ्रेंड्स इसका मान निकालने का। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स जो है इससे रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चन आते हैं पेपर वगैरह में वो देख लेते हैं। आते तो ये भी हैं पर थोड़े जो लेवल के आते हैं तो कठिन टाइप के जो हो सकते हैं कह सकते हैं,
वो देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि आर्यन की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि आर्यन की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान उम्र बताइए। ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है। तो अगर आप देखें कि श्याम की उम्र क्या है, हम एक्स मान लें, श्याम की उम्र जो है वो हम एक्स मान लें। क्यों फ्रेंड्स, वो भी बताते हैं। क्योंकि लिखा है क्वेश्चन में आर्यन की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, यानी कि अगर आपकी उम्र 10 है तो जो आपका दूसरा दोस्त है उसकी उम्र जो है 5 वर्ष अधिक है, तो उसकी 15 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो 10 है उसी को मान लेंगे। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि आर्यन की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। तो अगर हम श्याम की उम्र मान लेंगे एक्स, तो आर्यन की अपने आप ही जो एक्स प्लस 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर आर्यन की जो उम्र है वो हो जाएगी एक्स प्लस 5। तो ये हमने देख लिया आर्यन की उम्र। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि आर्यन की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान उम्र बताइए। अब आर्यन की वर्तमान उम्र 28 वर्ष दे रखी है, यानी कि जो एक्स प्लस 5 है इसका मान फ्रेंड्स कितना दे रखा है, 28 वर्ष। क्योंकि लिखा है क्वेश्चन में आर्यन की वर्तमान उम्र 28 है, तो हम सिंपल सा लिख सकते हैं कि एक्स प्लस 5 बराबर 28। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, तो 5 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा मान x बराबर 28 माइनस 5 बराबर आ जाएगा, 28 में से 5 घटाएंगे तो 23। तो x का मान 23 आ गया। और ये 23 जो है उम्र, हमने x किसकी मानी थी, श्याम की उम्र x। तो ये जो उम्र आ गई वो किसकी आ गई फ्रेंड्स, श्याम की। और क्वेश्चन में हमें क्या बताना था, श्याम की वर्तमान उम्र, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये हमारा देखिए बीटीसी 2016 के पेपर में भी आ चुका है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंड्स उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, यानी कि अगर एक संख्या एक्स होगी तो दूसरी संख्या उसकी दुगुनी यानी 2x होगी। तो सबसे पहले हम संख्या ही मान लेते हैं, यानी कि एक संख्या जो है वो हो जाएगी एक्स, तो दूसरी संख्या जाहिर सी बात है हो जाएगी 2x। तो ये हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लिया। अब क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 24 है, तो दो संख्याएं कौन सी, ये और ये, तो एक्स और 2x का योग कितना हो जाएगा, 24। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा एक्स प्लस 2x बराबर 24। अब इसको इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x और x 3x हो जाएगा। तो 3x का मान हो जाएगा 24 के बराबर, यानी कि 3x बराबर हो जाएगा 24 और x बराबर हो जाएगा 24/3, क्योंकि ये जो है नीचे आ जाएगा। अब आप इसको काट देंगे तो 3 बन जा 3, 3 8 जा 24, यानी कि x का मान हमारा आ जाएगा 8। तो ये जो x का मान 8 आया है ये हमारा क्या है, एक संख्या, या कह सकते हैं जो दो संख्याएं थी उनमें पहली संख्या। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों संख्या बतानी है। तो अगर एक 8 आ गई तो दूसरी 2x है, यानी कि यहाँ पर अगर हम मान रख देंगे तो हमारा मान आ जाएगा 2 × x, यानी कि 2 × 8 यानी कि 16। यानी कि एक संख्या जो है हमारी 8 आ जाएगी, दूसरी संख्या हमारी 16 आ जाएगी। ये क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इससे और लेवल का। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है कि दो संख्याओं का अंतर 48 है, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 और शेषफल 0 है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये फ्रेंड्स 2016 बीटीसी के पेपर में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उस पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा हटके, या कह सकते हैं लेवल वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन लेवल का है। इसको थोड़ा सा इजीली तरीके से समझते चलते हैं कि सबसे पहले कह रखा है दो संख्याओं का अंतर 48 है, यानी कि अगर हम एक संख्या को मान लेंगे एक्स तो हमारी दूसरी संख्या फ्रेंड्स हो जाएगी एक्स प्लस 48। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर समझने वाला है कि ये एक्स प्लस 48 कैसे हो गया।
अब फ्रेंड्स इसको समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 48 है, यानी जब किसी चीज के अंतर की बात की जा रही है तो एक संख्या उससे कम होगी, एक संख्या उससे ज्यादा होगी। मतलब कहने का है कि एक राम नाम का लड़का है और एक श्याम नाम का लड़का है, तो कह रहे हैं कि राम और श्याम को जो है रुपए जो मिले उनका अंतर 10 रुपए है। तो अंतर अगर 10 रुपए की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है एक को कम मिले होंगे और एक को ज्यादा मिले होंगे, तभी तो इन दोनों का अंतर 10 के बराबर होगा फ्रेंड्स। तो यही इसमें भी कह रहा है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का अंतर 48 है, यानी कि एक को कम मिला है एक्स और दूसरे को ज्यादा मिला है x+48, यानी कि अगर इन दोनों को घटा देंगे तो 48 के बराबर आ जाएगा। तो अगर आप घटा के देखें x+48 - x तो एक्स एक्स कट जाएगा, 48 के बराबर आ जाएगा। तो यही चीज फ्रेंड्स इसमें भी की गई है, तो इसलिए हमने जो दूसरी संख्या मानी है वो x+48 मानी है। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 और शेषफल 0 है। तो बड़ी संख्या फ्रेंड्स कौन सी है, सिंपल सा दिख रहा है x+48, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x+48 बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देने पर बटे x, छोटी संख्या ये बड़ी संख्या ये, बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देने पर भागफल हमारा कितना है फ्रेंड्स, भागफल 5 आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि और शेषफल जो है वो 0 है, तो शेषफल 0 की बात है तो कुछ बचेगा नहीं, तो यहाँ पर इसके सामने कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से हम एक्स का मान निकाल लेंगे। तो अगर इसको आप तिर्यक मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा हो जाएगा x+48 = 5x। अब एक्स की घात और एक्स वाला यहाँ भी है, एक्स वाला यहाँ भी है, तो हम इस एक्स को इस एक्स के पास ले जा सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 5x - x = 48। और अगर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 5x में से एक्स कटेगा तो बचेगा 4x और = 48। अब 4 को इसके नीचे ले जाएंगे या डायरेक्ट भी काट सकते हैं, तो 4 * 4, 4 * 4, 4 * 2 = 8, तो हमारा एक्स का मान जो है वो आ जाएगा 12। तो ये 12 फ्रेंड्स क्या है यार, एक संख्या, क्योंकि हमने एक्स का मान जो है वो 12 माना था। तो एक संख्या अगर हमारी 12 आ गई तो दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, x+48, यानी कि दूसरी संख्या में यही अगर हम 12 का मान रख दें तो हो जाएगा 12+48। तो हमारा आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 12 और 48 जोड़ेंगे तो 60, यानी कि एक संख्या हमारी हो जाएगी 12 और दूसरी संख्या जो है हमारी हो जाएगी 60। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया हो। फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिएगा, जिससे कि हमारे सभी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताइए। तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी ये ना सोचिए बहुत कठिन है, बिल्कुल भी मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा, आपको कोई भी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग लिखते चलते हैं कि सबसे पहले कह रहा है कि दो संख्याओं का योग है, तो कोई दो संख्याएं मान लेते हैं, तो छोटी संख्या हमने मान ली इसमें, क्योंकि छोटी और बड़ी संख्या की बात की जा रही है, तो छोटी संख्या हमने मान ली x और बड़ी संख्या हमने मान ली y। तो ये दो संख्या हमने मान ली सबसे पहले। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। दो संख्याओं का योग मतलब छोटी संख्या और बड़ी संख्या, तो इन दोनों का योग, क्वेश्चन के साथ साथ फ्रेंड्स लिख रहे हैं कुछ अलग सा नहीं लिख रहे, दो संख्याओं का योग यानी कि दो संख्याओं का योग, और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि छोटी संख्या का 3 गुना, तो छोटी संख्या का 3 गुना क्या हो जाएगा, 3x, यानी कि छोटी संख्या का 3 गुना, 3 गुने से 3 अधिक है यानी +3, जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखा है मैंने कि छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताइए, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और जो अगली लाइन लिखी है कि दोनों संख्याओं का अंतर 5 है, यानी कि हम लिख सकते हैं दोनों संख्या यानी x+y दोनों का अंतर कितना है, 5 है।
तो अब हम देखिए, हमें फ्रेंड्स यहाँ पर समीकरण जो एक है इसमें दे रखा है एक्स माइनस एक्स प्लस फाइव और यहाँ पर एक्स माइनस फाइव। तो हम इसको जो है प्लस के फॉर्म में कैसे बना सकते हैं, तो हम कैसे बना सकते हैं, अंदर जो है माइनस से गुणा करके। तो अंदर अगर माइनस से गुणा कर देंगे तो यहाँ माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5। अब हम यह कर सकते हैं कि इसमें से कोई एक मान निकाल के समीकरण नंबर एक में रख दें, जिससे क्या होगा वाई का मान या एक्स का मान निकल आएगा। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से वाई का मान निकाल लेते हैं, जिससे क्या होगा ये एक्स प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ से वाई का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस एक्स और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम इस वाई का मान जो है इसमें रख देंगे, जिससे क्या होगा हमारा एक्स का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं फ्रेंड्स कि वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, अब हम डायरेक्ट आपको इसमें रख के बता देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक्स ही रहेगा प्लस वाई की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पर 5 प्लस एक्स, यानी यहाँ हो जाएगा 5 प्लस एक्स बराबर 3 एक्स का 3 एक्स ही रहेगा और प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इसमें एक्स का मान निकल आएगा, क्योंकि सारे मान जो हैं वो एक्स के हो गए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक्स और एक्स है तो हमारा हो जाएगा 2 एक्स और यह प्लस 5 ही रहेगा बराबर 3 एक्स प्लस 3। अब ये एक्स वाला इधर भी, एक्स वाला इधर भी है, तो दोनों एक साइड कर लें। तो 2 एक्स को अगर उधर ले जाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3 एक्स और माइनस का 2 एक्स, यानी कि हो जाएगा 3 एक्स माइनस 2 एक्स बराबर, ये चीज़ उधर आई है 2 एक्स, तो 3 जो है वो उधर चला जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, तो 3 एक्स में से अगर 2 एक्स जाएगा तो हो जाएगा फ्रेंड्स एक्स, और 5 में से 3 जाएगा तो 2। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, एक्स हमें मिल गया। और एक्स हमने क्या माना था फ्रेंड्स, छोटी संख्या। तो एक्स जब हमें छोटी संख्या मिल गई तो बड़ी संख्या निकालने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमारा दे रखा है कि दोनों का अंतर 5 है। तो दोनों का अंतर फ्रेंड्स अगर 5 है, एक संख्या 2 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 7 हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी 7। या आप अगर इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन हो रहे हैं कि ये कैसे आ गया, तो इसी एक्स का मान जो है फ्रेंड्स आप जो समीकरण नंबर 2 है इसमें रख सकते हैं। एक्स का मान 2 जो है अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो 5 प्लस 2 हो जाएगा, तो वाई का मान 7 आ जाएगा। या तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं या तो इसमें रख के कर सकते हैं। तो हमारा वाई का मान हो जाएगा 5 प्लस 2 बराबर 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो एक्स जो है वो हमें छोटी संख्या मिल जाएगी और वाई जो हमें बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको पसंद आया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमने उस टाइप के सारे क्वेश्चन देख लिए, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं जो इकाई दहाई वाला टाइप होता है। तो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो जो नई संख्या है वह पहले से 36 कम हो जाएगी, तो संख्या बताइए। तो फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर आप इसको बुक में देखेंगे तो एक्स मान के किया है, काफ़ी लेंदी टाइप चला जाता है, तो मैं आपको ये थोड़ा दूसरे तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करें कि 2 अंकों की एक संख्या, उसमें इकाई और दहाई की बात की जा रही है। तो आप कोई भी इकाई का अंक मान लीजिए, जैसे कि आप इकाई का अंक मान लीजिए एक्स, और इसी प्रकार जो है दहाई मानेंगे तो वो हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक का, मतलब एक संख्या का जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक का दुगना है। तो दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, तो इसका दुगना जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 एक्स। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स लिख लिया है। अब कह रहा है
यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो अब वो आगे का प्रोसीजर हम बाद में करेंगे। तो ये होता है जब इकाई दहाई की बात करते हैं तो दहाई का जो अंक होता है वो 10 से गुणा होता है, अगर सैकड़ा होता है तो 100 से होता है, आप भी जानते हैं फ्रेंड्स। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी इस इकाई और दहाई के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाती है 10 यानी कि दहाई के लिए, गुणे 10, दहाई का अंक कौन सा है 2x, यानी कि 2x, और प्लस x यानी कि x। तो ये जो है हमारी संख्या हो जाएगी, दहाई वाले को 10 से गुणा कर देते हैं और इकाई जो है वो ऐसे ही रहती है। तो ये हमारा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 दुना 20 x और प्लस x यानी 21x। ये हो गई हमारी संख्या पहले वाली। अब संख्या में जो अंक बदल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग संख्या लिखेंगे। अब कह रहे हैं यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, जब स्थान बदल दिए गए तो हमारा फ्रेंड जो है इकाई है वो दहाई बन जाएगा और जो दहाई है वो इकाई बन जाएगा, यानी इकाई अब हो जाएगा 2x और जो दहाई है वो हो जाएगा हमारा x। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि जब स्थान बदल दिए जाते हैं जो नई संख्या है वो पहले से 36 कम हो जाएगी। तो पहले हम इसकी भी संख्या निकाल लेते हैं, जैसे इसकी संख्या निकाली है अब इसकी निकाल लेते हैं। तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, कि वही पहले वाले की तरह की 10 से गुणा करेंगे दहाई वाले को यानी कि एक्स से, और प्लस इकाई यानी कि 2x। तो ये हो गई हमारी संख्या। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10 को एक्स से गुणा करेंगे तो 10x, और उसमें 2x जोड़ेंगे तो 12x। तो ये हमारा हो जाएगा 10x प्लस 2x 12x। तो ये हमारी संख्या हो गई बदलने के बाद यानी नई वाली, और ये जो 21x है ये पुरानी वाली। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी, तो संख्या बताइए। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकों की तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी, यानी नई संख्या कौन सी है 12x। तो अगर हमारा इक्वेशन ये बनेगा कि पुरानी संख्या जो है उसमें से अगर हम जो 36 है वो माइनस कर दें तो जो प्राप्त होगा वो हमें नई संख्या प्राप्त हो जाएगी। सिंपल सा फ्रेंड समझिए कि ये जो है पहले संख्या कुछ रही होगी क्योंकि हमारी पुरानी संख्या है, जब इसको बदला गया तो ये 36 कम हो गई और उसके बाद ये नई संख्या बन गई। तो यही हमारी इक्वेशन है, यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स। तो 21x 12x उधर जाएगा, तो 21x में से 12x कटाएंगे तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, 21x माइनस 12x बराबर, और ये जो माइनस का 36 है उधर चला जाएगा तो प्लस का 36। अब 21 में से जो फ्रेंड्स 12 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 9x, तो 9x बराबर हो जाएगा 36, तो x बराबर हो जाएगा 36/9 यानी कि 36/9, और काटेंगे तो 9 चौक 36 यानी x का मान जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा 4। तो ये जो 4 आया है ये फ्रेंड्स क्या आया है, हमारा इकाई का अंक, क्योंकि हमने इसको माना था x। अब बात कर लेंगे अगर दहाई की, तो यहाँ पर 2x लिखा है, तो यानी जब इसको हमारा मान हमें प्राप्त हो गया 4, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा 2 गुणे 4, क्योंकि 2x है तो यहाँ पर दहाई का अंक हो जाएगा 8। तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, इकाई का अंक 4 है दहाई का 8 है, तो इकाई में अगर 4 लिखेंगे दहाई में 8 लिखेंगे तो हमारी संख्या हो जाएगी 84। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ फ्रेंड्स जो है हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। मैंने इसमें सारे जितने भी क्वेश्चन जितने भी टाइप के हो सकते हो मैंने वो सारे कवर कर दिए हैं, कोई भी आपका छूटा नहीं है। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई कमेंट है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, मैं उसे अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जो है उसको ऑन कीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।